निर्मल ग्राम पंचायत नोनी के प्रधान व उप प्रधान सहित 8 सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर पूर्व प्रधान बलदेव ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भी बलदेव ठाकुर द्वारा ही की गई। आपको बता दें कि बलदेव ठाकुर नोनी पंचायत के 3 बार प्रधान रहे हैं और उन्होंने नोनी पंचायत को न केवल हिमाचल में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान बनाई है। नोनी को निर्मल ग्राम और धूल रहित पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। अब यही जिम्मेवारी नव निर्वाचित प्रधान मदन हिमाचली और उप प्रधान बलदेव ठाकुर पर आ चुकी है, जिन्हें इस विकास को और आगे बढ़ाना होगा और क्षेत्रवासियों को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। इस मौके पर नव निर्वाचित प्रधान मदन हिमाचली ने कहा कि पहली बैठक आयोजित की गई जिसमें 9 गाँव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि उप प्रधान हरदेव ठाकुर को स्वच्छता मिशन का चेयरमैन भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि वे पंचायत के सचिव ने सभी सदस्यों का आवश्यक मार्गदर्शन भी किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुँचाने इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे और नौणी पंचायत का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नोनी ग्राम पंचायत की पहली बैठक यहाँ आयोजित की गई हमारे पंचायत भवन में। सभी 9 गांवों के लोगों ने अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज की। मैं इसके लिए लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व प्रधान, पूर्व सदस्य सभी यहाँ शामिल हुए और आज की जो अध्यक्षता की वो पूर्व प्रधान श्री बलदेव ठाकुर जी ने की। यहाँ पर आज सर्वप्रथम सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और इसके अलावा आज उप प्रधान श्री हरदेव ठाकुर जी को स्वच्छता मिशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। सचिव महोदय की गाइडेंस में एक सदस्यों की यहाँ आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों को अपने कार्यों के बारे में अवगत करवाया गया कि किसने क्या कार्य इनका विशेष रूप से रहेगा और इसी के साथ ही एक संकल्प लिया गया कि सभी सदस्य, सभी वार्डों के सदस्य अब अपने वार्डों में स्वच्छता का कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे और जो भी हमारी मॉनिटरिंग टीम भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की होगी वो किसी भी वार्ड में जाकर विकास कार्यों का जायजा ले सकती है। मैं ये भी संकल्प दोहराना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं और जिला प्रशासन की जो कार्यकारी नीतियाँ होगी हम उसको कार्यान्वित करेंगे, उसको हम उसका पालना करेंगे और अपनी पंचायत के विकास में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, सभी की सलाह लेते हुए हम पंचायत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।